bahut zyada mehnat ki. It's been just short 15 days back, and in fact we've been editing on the spot. Yeah, not even 15 days, you know, usse bhi kam. And jab pehli baar humne decide kiya, we all talking about, you know, Jannat's going to see, so everybody was like, Jannat kahan hai, ye kab se hone lag gaya, mujhe bhi aise hi laga. Yeah, so on our first recording itself, you know, we actually discovered that Jannat is actually a very good singer. So this is just the first song, and I pray that, you know, ye chalte hai chalte hai back to back as a singer bhi Jannat gaane karte rahe. And it's very proud moment for Z Music community and we United by Flag that we are doing Jannat's debut song as a singer. Aur wo bhi unki dhuni ke 18th birthday pe. 18th birthday hamesha ek special birthday hota hai. And hum is birthday pe, most awaited birthday pe, unka ek debut single kar rahe hain. And again, once again, see, and we worked again with Rohan. This is the third video. So getting Rohan and Jannat together, you know, it's like magic on screen. I hope aap sabko bahut pasand bhi aayega. To isme bahut sara hard work hai, and where we had practice on singing, where the studio sessions were there, and finally Rana aapke saamne hai. Couldn't understand any notes, nothing. No, no, no. She's a darling. She's We all see today, बहुत मेहनत की उन्होंने. So I was very nervous. मैं बहुत अभी तक मैं अभी भी nervous ही हूँ मतलब. और जहाँ तक कि गाने की बात है, मैं तो बहुत shy हूँ, मैं गाना नहीं गा पाती. I remember जब सर ने हमको ये गाना बताया सुनाया था घर पे आके कि ये एक अच्छा गाना है, तो उन्होंने मुझे बोला तो मुझे तुम्हारी स्केल देखनी है कि कैसे गा सकते हो, तो एक लाइन तो गा दो, एक लाइन तो गा दो. वो एक लाइन मैंने नहीं गाई बिकॉज मुझे इतनी शर्म आ रही थी गाने में. और फिर मैं फर्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए गई एंड आई वाज ऑलमोस्ट शिवरिंग एंड एसी ऑफ कर दो, ठंड लग रही है, नहीं होगा सर, कैसे करूं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू डैडी इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि नहीं हो जाएगा, और हो गया. और आई होप अब अच्छा लग रहा होगा. राम जी के साथ मेरा तीसरा गाना था और इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर, बहुत अच्छा लगता है. और जब भी मुझे बुलाते हैं मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हो जाता हूँ. और इस बार तो कुछ डिफरेंट था. जन्नत गाना गाने वाली थी, एज ए सिंगर डेब्यू करने वाली थी. पहले मुझे लगा था आई वाज अनश्योर कि मतलब मैंने पूछा राम जी कर लेगी ना, बट सीरियसली शी स्किल्ड इट, मतलब शी हैज ब्राइट फ्यूचर नाउ एज ए सिंगर आल्सो. आई एम सो हैप्पी फॉर हर और डेफिनेटली आगे बहुत अच्छे गाने और गाएगी. एंड ये जो गाना है इश्क फर्जी, यूथ को बहुत ऑलरेडी काफ़ी लोग यूथ इससे रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक्स और ब्रेकअप्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं. तो वही इन्होंने जो कॉन्सेप्ट चुना, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इन है आजकल, बहुत रिलेटेबल है, और ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है गाने से. और ज़्यादा हम क्या मांगते हैं, और सोचा ही नहीं मैं ये करूँगी वो करूँगी. तो मैंने ऐसा कुछ और ये करूँगी तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि मेरे 18th बर्थडे पर मेरा सिंगिंग डेब्यू होगा. और ये सब कुछ प्लानिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे तो बस यू नो ऐसे पेश कर दिया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया. बट पूरी प्लानिंग और सब कुछ डैड का था, और डैडी ने सोचा, और फिर राम जी और डैड ने मिलकर सारी प्लानिंग करी, गाना डिसाइड किया. मुझे तो बस दे दिया गया कि ये गाना है, आपको ये गाना है प्रैक्टिस करके, और मैंने वो कर दिया. सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे 16-17 को शूट करे थे दुबई में, और देखो 29 को गाना भी लॉन्च हो गया, और इतनी मतलब सब कुछ इतनी फास्ट फास्ट हुआ, तो कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला एक्चुअली. बट आई थिंक इससे बेटर गिफ्ट मुझे अपनी 18th बर्थडे पर नहीं मिल सकता था. तो इसकी ना मुझे हमेशा से आदत थी कि जब भी घर में भी ऐसे फंक्शंस होते थे तो लाइव म्यूजिक अक्सर यू नो गाने लगते हैं लोग, लेकिन मैं तो इतनी शाय कि मैं तो अंताक्षरी भी नहीं खेलती थी. तो हमेशा मम्मी डैडी को पता था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे बोलते थे जन्नत तुम भी गा लो, थोड़ा सा गा लो, थोड़ा सा गा लो, और मैं कभी नहीं गाती थी. तो जब डैडी ने बोला ना कि तुमको गाना है और एल्बम करेंगे, तो मैं उसको ऐसी ले रही थी कि तो मुझे हर रोज़ बोलते हैं सबके सामने गा ये कहाँ से मतलब. तो आई वॉज टेकिंग इट लाइटली, बट देन बाद में मुझे समझ आया नहीं मुझे तो सच में गाना पड़ेगा, वो भी माइक के सामने गाना पड़ेगा. तो बस प्रैक्टिस की और हो गया. प्रैक्टिस डेडिकेटेडली है. बिग 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 डे फॉर जन्नत, उसका बर्थडे है, उसका सॉन्ग रिलीज हुआ है. सो आई एम हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर बिकॉज दिस इज हर फर्स्ट सॉन्ग जिसमें उसने खुद गाया है. शी संग इट एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग हैविंग एन एक्टर. इट इज़ नॉट ईजी, इट्स नॉट सिंपल, इट्स अ बिग टैलेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. एंड बर्थडे भी है तो बहुत बड़ा दिन है. सो आई एम हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, मे शी ग्रोज लाइक दिस. नए करियर की शुरुआत भी आज हो रही है, तो इट्स वेरी गुड फॉर हर. आई विश हर ऑल द बेस्ट. एट सच अ यंग एज शी इज डूइंग सो वेल, नाउ शी इज डेब्यूटिंग एज अ सिंगर, व्हिच इज सच अ गुड थिंग. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू हर एंड आई होप शी डज वेल. बहुत प्राउड मोमेंट है, आप समझ लो कि जो बच्चा
पिछले 11 साल से अपने को प्रूव कर रहा है एक्टिंग के अंदर, और आज उसने उसका पहला ये डेब्यू सिंगिंग है उसका, जो फर्स्ट सॉन्ग है आज, और वो आती आज मतलब ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पर है, 2.5 क्रॉस हो चुका है, और बहुत ही प्राउड की बात है। देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनको हर सही और गलत चीज़ पेरेंट्स बताते हैं, तो उनको आहिस्ते से पता होता है उनको क्या करना है लाइफ में, उनको कुछ नहीं समझ में आता है, हर चीज़ स्लोली स्लोली बताते हैं। जैसे इंडस्ट्री में जाना वो मेरे हर नहीं करता कि जनक ये करना रहता है, तो वैसे सिंगिंग का भी जनक के गाने का बहुत शौक है, हम जानते उसके बाद अच्छी है, तो लाइक शी इज़ वेरी शाई और तो इन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया जनक जी, नहीं यू शुड ट्राई, शुड गो ऑन, और इन्होंने बहुत पुशअप किया, और ये वाला जो सॉन्ग है मेरे को 99% पूरा इन्हीं की सारी। हम लोग तो मतलब जितना 100 से भी अगर ज़्यादा होता तो उतना ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि और काफ़ी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, और उनको मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं कि हम लोग ये जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि एक्टिंग ले लो या सिंगिंग ले लो या जन्नत को और भी जिन चीज़ों में डालते हैं, डांसिंग है या अयान और भी कुछ करता है, तो कुछ हिडन है, तो मतलब उनको यही बताते हैं कि ये प्रोफेशनली हमको करना है, हम लोग इसको एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये आज हॉबी है हमारी या तुमको ऐसे ही करा रहे हैं, कोई नहीं, मतलब उनको मतलब पूरी तरीके से समझा के बता के रखा है कि ये प्रोफेशन है और यही फ्यूचर है और एक ये एम है और यहाँ पहुँचना है, इसको हिट करना है और इतने टाइम में भी करना है, तो उसको हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से एक एम और एक टारगेट और एक टाइम लिमिट सब बांध के रखा हुआ है, तो उसी लिए हम लोग कर रहे हैं। बच्चे स्टडीज कंप्लीट करें फिर दे स्टार्ट व्हाट दे हैव टू डू, डेफिनेटली स्टडीज अपनी जगह है, स्टडीज भी चल रही हैं, जन्नत आज जन्नत ने भी 12th किया है और 12th में भी उसने कॉलेज में टॉप किया है विद 82%, तो स्टडीज अपनी जगह पर, स्टडीज भी होंगी और दीनी तालीम भी होगी और दुनिया में रहने के लिए यहाँ की जो चीज़ें चाहिए हैं वो भी होंगी। नहीं मैं तो बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा और मैं लगभग हर बार मैसेज भी देता हूँ कि बेटियों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और लड़के तो कैसे भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं उनको अगर ज़रा सी भी दिक्कत परेशानी होती है ना, तो पेरेंट्स के लिए वो मोमेंट सबसे ज़्यादा परेशानी का दुखदेही होता है, तो और लड़के को क्या होता है, लड़के को कुछ भी होता है तो पेरेंट्स उतना लाइटली लेते हैं और उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि चलो लड़का है ये हो गया ठीक है ये भी कर लेगा ये कर लेगा, नहीं तो ऐसे कर लेगा, कुछ भी कह सकते हैं, बट बेटी को ज़रा सा भी मोमेंट में अगर परेशानी होती है तो वो सबसे पेनफुल मोमेंट पेरेंट्स के लिए वही होता है जब उनकी बेटी को तकलीफ़ होती है, तो सबसे ज़्यादा आप अपनी बेटी को कुछ ऐसा कराएं जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो और उसको पूरा सपोर्ट करें, और वो भी क्या करना चाहती है उससे भी ज़रूर पूछें, ऐसा नहीं कि हर बार हम अपनी मर्ज़ी अपनी बेटी पर ला दें कि नहीं ये करना है, ऐसा नहीं। जी हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ, और बर्थडे गिफ्ट तो उसे मिल चुका है, गाना लॉन्च हुआ उसके बर्थडे वाले दिन, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, वो भी एज ए सिंगर डेब्यू कर रही है, तो आई थिंक उसे अपना बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है, और मैंने उसे विश भी किया, बहुत अच्छा लगा उसका बर्थडे, और सब चीज़ें यू नो दोनों साथ साथ हो रही है, तो बस भी काफ़ी क्रिएट हुआ हुआ है कि ये जन्नत का बर्थडे भी है, पार्टी भी है, लॉन्च पार्टी भी है, और गाना भी लॉन्च हो रहा है, और गाना बहुत अच्छा भी है, और वो सिंगर भी है, तो आई थिंक तभी लोगों को पसंद भी आ रहा है, और काफ़ी बज़ बना हुआ है जैसे कि, और काफ़ी लोग पसंद कर रहे इसे, और इसलिए काफ़ी व्यूज़ भी हो गए अभी, ऑलरेडी ट्रेंड भी कर रहा है गाना। आई थिंक ये हर किसी की रियल लाइफ से मैच करती है स्टोरी, इश्क फर्जी इसका नाम है, और ये हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप्स के ऊपर ही है, तो आई थिंक सबकी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स होते ही है, और इसलिए लोग काफ़ी रिलेट भी कर रहे हैं इसके साथ, और आई थिंक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल भी है ये स्टोरी, क्योंकि जिसका ब्रेकअप होता है वो ठान लेती है कि मैं इस लड़के को दिखाऊंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, वो पहले मजाक उड़ाता था जब मैं गाना गाती थी, अब मैं गाना गाकर दिखाऊंगी, तो एंड में यही होता है, वो सिंगर बन जाती है और फरारी में आती है, और मैं ऐसे पीछे देखता हूँ कि अरे अब उसकी होर्डिंग पे जो है उसकी फ़ोटो होती है, तो वो कुछ बन के दिखाती है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने आज तक मेरे पहले गाने को भी इतना सपोर्ट किया है और बड़ा बनाया है, इससे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऑलरेडी ये ट्रेंड कर रहा है, इसे और बड़ा बनाइए और लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।